मैं बेसिकली जयपुर राजस्थान से हूँ और मैं ब्लैक बेल्ट 6 डिग्री हूँ कराते हुए कोबुडो में। बेसिकली कराते बोलते हैं बिना किसी हथियार के अपनी आत्मरक्षा करना कराते हैं। इसी के साथ में मैं ब्लैक बेल्ट 6 डिग्री हूँ कोबुडो में। कोबुडो बोलते हैं जैपनी वेपन्स कामा साई तोंगफा लाठी चलाना, इनको कोबुडो बोला जाता है। मार्शल आर्ट बेसिकली युद्ध कलाओं को बोलते हैं। अगर मार्शल आर्ट का उद्भव के बारे में बात करेंगे तो अगर अपन एंशियंट हिस्ट्री में जाएंगे, प्राचीन काल में जाएंगे, तो जब से मनुष्य जीवन का आविर्भाव हुआ है तब से ही कुछ न कुछ तरीके से तलवारबाजी से पत्थरों से ये वो अपना स्वयं का बचाव करता ही आया है। लेकिन बेसिकली इस मार्शल आर्ट शब्द का यूज अगर हम मानते हैं तो मार्शल आर्ट शब्द का यूज 15वीं शताब्दी में सबसे पहले यूरोपीय कंट्रीज में लिया गया था। मार्शल आर्ट के वर्ल्ड के अंदर बहुत ही अलग अलग डिफरेंट प्रकार के मार्शल आर्ट्स हैं। बेसिकली मार्शल आर्ट को माना जाए तो दो प्रकार के मार्शल आर्ट माने जाते हैं। पहला मार्शल आर्ट होता है आर्म्ड मार्शल आर्ट, दूसरा मार्शल आर्ट होता है अनआर्म्ड मार्शल आर्ट। बिना हथियारों के जिस आर्ट से हम अपनी रक्षा करते हैं, दूसरों की रक्षा करते हैं, या जिस मार्शल आर्ट को बिना किसी हथियारों के यूज किया जाता है उसे बोलते हैं अनआर्म्ड मार्शल आर्ट, जिसके अंदर बहुत सारी कलाएं आती है, बहुत सारी शैलियां आती है। इन शैलियों में जैसे कराते है, बॉक्सिंग है, ताइक्वांडो है, जूडो है, इस प्रकार की बहुत सारी कलाएं ऐसी है जो कि अनआर्म्ड कॉम्बैट में आती है, अनआर्म्ड मार्शल आर्ट में आती है। इसी के साथ में कॉम्बैट आर्ट जिसको बोलते हैं, आर्म्ड मार्शल आर्ट जिसको बोलते हैं। आर्म्ड मार्शल आर्ट के अंदर हम देखते हैं केंडो लेते हैं, कोबुडो लेते हैं, सलवारबाजी लेते हैं, जिसके अंदर हम लोग हथियारों का यूज करते हैं। आज के संदर्भ में अगर मैं आपको बताना चाहूँगा मार्शल आर्ट क्यों ज़रूरी है, आज के समय में कितने अपराध फैल रहे हैं, कितने महिलाओं के साथ में, बच्चियों के साथ में कितने अपराध हो रहे हैं, या फिर भी अगर कोई भी बच्चा कोई भी आदमी अकेला जाता है तो उसके साथ में परेशानी होती है, इन परेशानियों से बचने के लिए मार्शल आर्ट एक बहुत ही अच्छी एक आर्ट है, जिस आर्ट के द्वारा आप अपनी बॉडी को फिट बना सकते हैं, आप आत्मरक्षा करते हैं सीख सकते हैं, शारीरिक शक्ति बना सकते हैं, साथ में एक मानसिक एकाग्रता बनी रहेगी। मार्शल आर्ट आज के समय में खेलों के अंदर आप अपना नाम कर सकते हैं। खेल की दुनिया में आज जूडो है जो कि ओलंपिक गेम है, बॉक्सिंग है जो कि ओलंपिक गेम है, ताइक्वांडो है जो ओलंपिक गेम है, रेसलिंग है, कुश्ती है, ओलंपिक गेम है, और अभी फिलहाल ही कराते 2020 में होने वाले ओलंपिक टोक्यो के अंदर खेला जाएगा तो ओलंपिक गेम है। आज अगर आप कराते या कोई भी मार्शल आर्ट करते हैं तो आप अपने बहुत ही अपनी डिफेंस जो सर्विसेज हैं उनके अंदर आप डायरेक्ट जा सकते हैं। मार्शल आर्ट सीखने के लिए आपको मार्शल आर्ट आप जहाँ रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस कंट्री में रहते हैं, वहाँ पे बेसिकली सब जगह आज मार्शल आर्ट इतना ज़्यादा इनका प्रचार प्रसार हो चुका है कि शायद मैं कहना चाहूँगा कि हर जिले के अंदर मार्शल आर्ट की क्लासें लगती है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको वहाँ जाना है, जा करके अपने जो सर हैं उनके बारे में पता लगाना है कि ये सर कैसा मार्शल आर्ट सिखाते हैं, कौन सा मार्शल आर्ट सिखाते हैं, ये कराते सिखाते हैं, बॉक्सिंग सिखाते हैं, रेसलिंग सिखाते हैं, ताइक्वांडो सिखाते हैं, जूडो सिखाते हैं। आप उस मार्शल आर्ट के बारे में पहले आप कहीं से संपर्क करें, बताएं कि आपको कौन सा मार्शल आर्ट करना है, कौन सा मार्शल आर्ट करने के लिए बेहतरीन मार्शल आर्ट होगा, और फिर जा कर के सर के बारे में जाने कि उन सर जो सर के पास हम मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं उन्होंने इस मार्शल आर्ट के अंदर कितना मार्शल आर्ट सीखा है, कितने बेल्ट लिए हैं, कितनी रैंक ली है, कितना अच्छा सिखा सकते हैं, उन्होंने कितने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। इन रिजल्ट्स के देख करके आप वहाँ पे 2 या 3 ट्रायल क्लासे लें, ट्रायल क्लासे में देखें कि आपके साथ में अच्छा हो रहा है, या फिर आप वो मास्टर अच्छा सिखाते हैं, वो टीचर अच्छा सिखाते हैं तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली उनकी कुछ कंडीशंस होती है कि आप उनका फ़ी पे होता है या क्लास का टाइमिंग होता है, उस टाइमिंग को करके आप मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मार्शल आर्ट को आप कैरियर के रूप में ले सकते हैं। आज मार्शल आर्ट के अंदर विभिन्न तरह के कैरियर हैं। आज आप मार्शल आर्ट सीख करके आप अच्छा एक खिलाड़ी बनते हैं तो खेल करके आप अपने जिले का, राज्य का, देश का नाम कर करके वर्ल्ड लेवल पे अपना नाम कर सकते हैं। इस पर अगर आप एशियाड गेम खेलते हैं, ओलंपिक गेम खेलते हैं, तो उसमें सरकार की तरफ से बहुत सारी
बेनिफिट्स होते हैं, आपको ओलंपिक खेलने में बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं, आप सब सब जैसे कि सब खेलों को देखते हैं जिसके अंदर आप कराते बॉक्सिंग ताइक्वांडो जूडो गेम्स यूज कर करके आप अच्छा खेल सकते हैं। दूसरे प्रकार से अगर आप इसको एक प्रशिक्षक के रूप में इंस्ट्रक्टर के रूप में भी आप यूज करते हैं कर सकते हैं, तो आप इसके लिए अलग अलग तरह के डिप्लोमाज होते हैं, अलग अलग तरह के बेल्ट वैल्यूज होती है। अगर आप जो मास्टर डिग्री होती है वो मास्टर डिग्री लेने के बाद में आप अपनी फेडरेशन से परमिशन लेकर के आप अपने ज़िले में अपने स्टेट में कहीं पे भी आप अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं, इंस्ट्रक्टर क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप लोगों को सिखा करके और आप अपना बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं इसके अंदर। साथ ही इसके अंदर जब आप राज्य में देश में या विदेश में मेडल्स लगाते हैं तो गवर्नमेंट की नीतियाँ होती है, मेडल जीतने के बाद में डायरेक्ट आपको अवार्ड के रूप में मनी दी जाती है, साथ में आपको जॉब दिए जाते हैं। आज कराटे के बॉक्सिंग के जूडो के हर डिपार्टमेंट के अंदर जॉब्स होते हैं, डिफेंस में ITBP CRPF BSF आसाम राइफल्स रेलवे इन विभिन्न तरह की कैटेगरियों के अंदर आप डायरेक्ट जा कर के आप जॉब लग सकते हैं। मेरा नाम बरखनी लाल है, मैं मार्केटिंग इंस्पेक्टर से रिटायर्ड हूँ। आज से 6 साल पहले मेरा बेटा यहाँ सीखने आया था कराटे, तो मैं उसके साथ आया था, तो मुझे यहाँ का गेम अच्छा लगा तो मैं आगे अग्रसर होने लगा, सीखने लगा। मेरा बेटा तो नहीं सीख पाया लेकिन मैं ब्लैक बेल्ट हो गया और सेकंड डिग्री ब्लैक बेल्ट भी हो गया, और ये सारी चीज़ें मैंने अपनी सुरक्षा के लिए अपने आगे के लिए सीखी। इसे सेल्फ डिफेंस शारीरिक सुरक्षा अच्छी रहती है, ये लड़कियों के लिए तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि सेल्फ डिफेंस लड़कियों के लिए आजकल दिक्कतें आ रही हैं तो उनके लिए सेल्फ डिफेंस की बहुत ज़रूरत है, इसलिए लड़कियों को सीखने का तो बहुत अति आवश्यक चीज़ है और लड़के भी सीखें तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि इससे अपन अपनी रक्षा कर सकते हैं और वक्त पड़ा तो दूसरे की भी रक्षा कर सकते हैं, इसलिए इसका प्रसारण भी अच्छा होगा। मेरा नाम चेतन शर्मा है, मुरलीगा में रहता हूँ मैं, मेरा बेटा और बेटी दोनों ही यहाँ पर आते हैं जूडो कराटे सीखने। इनको सिखाने का मेन जो मोटो है वो यही है कि आज का जो परिप्रेक्ष्य है जिसके अंदर बच्चों के साथ में गलत घटनाएँ हो रही है, अपहरण हो रहा है, तो उसके हिसाब से ये है कि बच्चे को सेल्फ डिफेंस आ जाए और वो अपने कदमों पर खुद रहे, क्योंकि पेरेंट्स ज़रूरी नहीं है कि उनके साथ में हमेशा रहे, तो अगर उनको आज अपन कोई भी सेल्फ डिफेंस वाली चीज़ दिखाते हैं तो उससे ये फ़ायदा है हमारे को कि बच्चों को परेशान मतलब कोई भी परेशान ना कर पाए, रास्ते में कोई भी छेड़छाड़ ना करे, बच्चे उनका खुद ही जवाब दे सके उसको और वो अपने आप पर सेल्फ निर्भर रहे। किसी भी पेरेंट्स को सिखाने का यही है हमारा मेन तो यही है कि जिससे क्या है कि बच्चों में थोड़ी सी आत्मनिर्भर रहे, बच्चे सेल्फ डिफेंस सीख जाए अपने आप में, और पढ़ाई के साथ में खेल भी ज़रूरी है जिसके थ्रू बच्चों में स्फूर्ति भी रहती है और उनकी स्पोर्ट्स के प्रति जागरूकता बनी रहती है। मैं यहाँ अपने बच्चों को मार्शल आर्ट सिखा रही हूँ, 2-3 साल से मैंने इन बच्चों को ज्वाइन करवा रखा है और स्पेशल गर्ल्स में बहुत पावर है, बहुत बहुत शक्ति होती है, बट उनमें एक प्रॉब्लम होती है कि वो अपने आप को थोड़ा इन्फीरियर और डरी हुई महसूस करते हैं, तो यहाँ पे आके बच्चों में बहुत आत्मविश्वास आता है, कॉन्फिडेंस, और फिजिकली भी मेंटली भी कॉन्फिडेंस, जहाँ आत्मविश्वास होता है तो इतनी सारी चुनौतियाँ आजकल नित नई जो चुनौतियाँ आती हैं वो कॉन्फिडेंस से, आधी चुनौतियाँ तो कॉन्फिडेंस होने से ही हम उनसे आराम से फाइट कर सकते हैं। और ये बच्चों को बहुत अच्छे से तैयार कर रहे हैं हमारे महेंद्र जी गहलोत जो कोच हैं, बच्चों पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, स्पेशली गर्ल्स के लिए तो इन्होंने बहुत ही जी जान लगा रखा है कि इनको तैयार किया जाए, जो आज का एनवायरनमेंट है, जो आज की प्रॉब्लम्स हैं उनसे कैसे अपने आप को डिफेंस किया जाए। और जब से यहाँ पे मैंने ज्वाइन करवाया बच्चों को, रियली बहुत फ़र्क आया, बच्चों में बहुत कॉन्फिडेंस आया है और अब वो स्कूल में भी बहुत अच्छे परफॉर्म करते हैं, किसी के सामने भी जैसे बोलना हो या कुछ भी अपने वो करना हो तो उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस आया। स्पेशली ये है कि ये जो कराटे जो डिफेंस का हम सीखते हैं ये फिजिकली तो है ही, बट इससे आत्मविश्वास बच्चों में बहुत आता है, उससे ये बच्चे कुछ भी फेस करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ये घबराते नहीं हैं।